जब भी अपने आपके भाई को मौका मिलता है मोटो ब्लॉग करने का, तब भी आपका भाई मोटो ब्लॉग करने के लिए निकल जाता है। तो गाइस तो कंप्लीट हो गया है काम। तो अरे बाप रे, ये हाई गर्मी, हाई गर्मी गर्मी रे। तो गाइस मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पर ब्लड, तो फर्स्ट टाइम है यार, क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो लोग, कैसा सुमित बहुत सीधे अच्छे। सो गाइस अभी 9:50 टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 बजने को है। तो मैं अभी दादी के घर हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश भी हो लिया, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, चाय भी पी लिया आपके भाई ने। तो आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो है ना कि लेट वीडियो स्टार्ट करता हूँ और स्किप हो जाता है, और वैसे भी कभी कभार मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी स्टार्ट करता हूँ तो फिर भी स्किप हो जाता है। तो मतलब क्या बताऊँ, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा ओके, जो हवाएं चल रही है यार बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पास ही में आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर जैकफ्रूट, मतलब यार यहाँ पर है, ये देखो। बस इस बार ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम खाने को मिलेगा, लेकिन होता है बहुत टेस्टी और बहुत लजीज यार, सच में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू गाइस, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मेरे वीडियो को, सपोर्ट दे रहे हो, लाइक दे रहे हो, ऐसे मेरे साथ बने रहना और मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहना, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से जरूर करना, शेयर तो ऑब्वियसली करना। तो थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 9:53। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल, मैं आपका दोस्त लौट, होप करता हूँ मित्र बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यार मतलब जब भी मैं ये डायलॉग बोलता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो आज मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा, और यार सच्ची एक बात बताऊँ, धूप के वजह से ना बाहर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी होता है और बाहर निकल के ब्लॉग बनाना यार मतलब हालत एकदम से ख़राब हो जाता है। पिछले वाले ब्लॉग पे भी वैसा ही कुछ हाल हुआ था मेरा, हेलमेट पहन के हालत ख़राब हो गया था, मेले में मैं ज़्यादा दूर घूम नहीं पाया, और मैं थोड़ा बहुत घूम के मैं माता जी का दर्शन करवा के खुद करके आप लोगों को भी करवा के आ गया, बस मतलब सहन नहीं हो रहा था तो फटाफट मैं घर आ गया, और घर आके फिर से मैं नहाया, इतना गर्मी लग रहा था। तो गाइस एक बंदे ने कमेंट किया था कि मतलब मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या सेटअप चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, वो जाके देखो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद जाके देखो, तो वहाँ पर सब डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक चिन माउंट चाहिए होता है, एक पोल माउंट, एक जे माउंट, और फिर उसके बाद एक तो मोबाइल होता है, और साथ साथ एक मोबाइल होल्डर और हेलमेट, बस ये कुछ चीज़ें चाहिए होता है, तो इससे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो जाता है। तो अगर वो वीडियो आप लोग देखे नहीं हो, आई बटन में लिंक आ रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, उम्मीद करूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो वाला वीडियो, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल्स भी बता रखे हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए और किस किस चीज़ से मतलब मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनता है और क्या क्या प्राइस है, तो सारे कुछ मैंने बता के रखे हैं वहाँ पर, तो जाके देखो, उम्मीद करूँगा बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी घर जा रहा हूँ, भूख लगा यार, खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे व्लॉगिंग को कंटिन्यू करने के लिए, तो चलो चलते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ विलास भैया के एक रिलेटिव के घर, तो वहाँ पर एक चीज़ लाने के लिए विलास भैया ने बोला है, तो उसी से मैं उनके स्कूटी लेके जा रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना ऐसे करते हुए चले जाते हैं, थोड़ा मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा और मज़े करते करते जाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, स्कूटी का व्यू भी दिखे और रोड भी दिखे, और मुझे और मेरा ब्लॉग प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगर की तरह हो। तो फिलहाल के लिए मैं अभी निकल चुका हूँ उनके रिलेटिव के घर की तरफ, तो उधर ही जा रहा हूँ। ओ यार क्या गर्मी है, खतरनाक वाला। पहले सोचा था मोटो ब्लॉग करने का कोई प्लान नहीं था गाइस, सच में बता रहा हूँ, कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन इतना धूप है यार क्या बताऊँ कि उस दिन से मैंने फटाक से सोचा कि नहीं, घर जाते हैं, हेलमेट लेते हैं, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप ऑन करते हैं और चलो मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, मस्ती करते हुए बढ़िया से जाएंगे। उधर से थोड़ी मोटी मामा भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। पीछे से पीछे जा रहा है अपना जान पहचान वाला बंदा, ये जा रहा है अपना घर। ओहो यार
जब भी आपने आपके भाई को मौका मिलता है मोटो ब्लॉग करने का, तब भी आपका भाई मोटो ब्लॉग करने के लिए निकल जाता है। तो आज का जो दिन रहने वाला है वो है कि आज यहाँ से मैं पहले जाऊँगा बिलास भैया का वो चीज़ लाने के लिए, फिर उसके बाद मैं वहाँ से आऊँगा और फिर उसके बाद मैं ब्लड डोनेशन कैंप में जाऊँगा। मतलब विश्वजीत भैया ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए हैं, तो थोड़ा ब्लड डोनेट करने जाना है, बहुत दिन से गया नहीं, तो वहाँ पर जाएंगे ब्लड डोनेट करेंगे, वहाँ पर भी प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे। तो चलो अभी फिलहाल के लिए फटाक से चलते हैं, क्योंकि देखो गाइस जल्दी नहीं जाएंगे तो जल्दी जल्दी होगा नहीं, तो चलो जल्दी से चलते हैं। और यही फिर से वही जगह आप देख सकते हैं, बूढ़ा काली माता का वही जगह, ये गली से सीधा जाती है, सामने मंदिर है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आए थे, ब्लॉग बहुत अच्छा बना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और चलते, रुको एक मिनट, थोड़ा सा एंगल सेट कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया है काम, तो अरे बाप रे ये हाय गर्मी गर्मी रे, चुकती जलती गर्मी का मौसम आया है, क्या गर्मी रे। सो गाइस तो आप लोगों ने देखा यार, मैं गिरते गिरते बचा, वो गौ माता अभी भी है, वो ऐसे रास्ता क्रॉस किया अचानक से, मुझे पता ही नहीं चला और मैं ब्रेक मार दिया, पीछे वाला टायर स्कीड कर गया था, अच्छा हुआ मैंने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो गिरने वाले थे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसा करता है, देखो 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 ऐसा ऐसा करता है, ये देखो। इसको हम मतलब बंगाली में बाछूर बोलते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी अपना काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी जाऊंगा सीधा एस बी आई के दुकान पे और फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप पे ब्लड डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर बाजू में मेरा एक दोस्त का घर है, पहले आया करता था। गाइस अभी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप पे आ चुके हैं, ये रहा रॉनी और गुड्डू भी आ रहा है अभी, मतलब दीप जो आ रहा है वो आ रहा है, तो एक साथ हम तीनों बंदे यहाँ पर आके ब्लड डोनेट करेंगे। तो अभी यार मतलब बहुत गर्मी है, विश्वजीत भैया बाहर है वहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं, तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और अपना काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप।
रहमान भैया दे रहे हैं यहाँ पर ब्लड, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पिंकी भैया भी हैं, संदीप भैया अपना, तो एक साथ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं इधर बैठ रानी बाजार मार्केट पे। तो सब बंदे इधर आए हुए हैं, उधर प्रीतम भैया है और सब बंदे इधर आए हुए हैं, एक साथ देंगे ब्लड देंगे। तो आराम से दो भैया, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप। पहली बार ब्लड दे रहा है, कैसा लग रहा है? रॉक तो दिन ऑन के पहचान। सही नोटिस है, सही नोटिस है। ब्लड दीजिए, दूसरे को बचाइए। फर्स्ट टाइम रॉक तो दीजिए। ठीक है भाई, आराम से सो जा तू यहाँ पर, फिर मैं सो रहा हूँ, मेरे लिए एक ब्लॉग भी बना देना यहाँ पर, ठीक है? मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पर ब्लड, तो फर्स्ट टाइम है यार, क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। और अपने दोस्त पोड़ीमाल का भी हो चुका है और बहुत सारे दोस्तों का एडिशन भी है, जो कैमरा है वो पकड़ा हुआ है, वो दे रहा है। उधर प्रीतम भैया भी है, उधर देख सकते हैं, उधर प्रीतम भैया भी है, गौरव भी है। तो सब लोग हम लोग एक साथ आए थे यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। ये बहुत अच्छा चीज़ है भाई, अगर आप लोगों को भी कभी भी मौका मिले तो ज़रूर से ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना, ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा होता है। अभी ब्लड डोनेट पास करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट डे। तो कल मतलब ब्लड देना कम्प्लीट हो गया था, फिर उसको थोड़ा बहुत बिजी होने के कारण मैं किया नहीं कल वीडियो को कंटिन्यू, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इन्जॉय भी किए थे। तो कल कोई दिक्कत नहीं हुआ ब्लड देने के बाद, एकदम से स्टेडी था, ओके था, तबीयत भी सही था, सब कुछ सही था। बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ब्लड दे के, ब्लड डोनेट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो तो यार ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और साथ ही साथ गाइज मतलब कल गर्मी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था, और जब मैं एडिट कर रहा था पता है मैं अपने बालों का हालत देख रहा था, मतलब कैसे अजीब सा हो रखा था। एक्चुअली मैं कल बालों पे तेल लगाए रखा था, तो उसी दिन से हालत वैसा कुछ हो रखा था, तो मतलब क्या ही बताऊँ। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। साथ ही साथ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पास जो बेल बटन है उसे ही प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।